हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है, आप देख सकते हैं भीड़ का नज़ारा, देख सकते हैं असर की नमाज़ पढ़ ली है दोस्तों। यानी 1 नवंबर से जो है दोस्तों इसका किराया लागू हो जाएगा, आपको किराया देना होगा, लेकिन किराया दोस्तों इसका 4 रियाल होगा, ये मैं आपको बता दूँ, यानी 4 रियाल होगा, मतलब इंडिया के तकरीबन आप समझ लीजिएगा 90 रुपये, यानी पानी फ्री बट रहेगा। पानी देखिए आप हर वक्त वहाँ से नमाज के बाद, ये आप देख सकते हैं हमने ले लिया है। ये मेरे सामने ये आप देख रहे हैं, ये सऊदी गवर्नमेंट का यानी हुकूमत का, देखिए यहाँ पर खाना वगैरह बट रहा है माशाल्लाह तबारकल्ला, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। वेलकम बैक, मुशर्रफ अली खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हो गए। दोस्तों मैं आज इस ब्लॉग में आपको एक नई जानकारी दूंगा और नई इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको मालूमात हो, तो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो ख़ास तौर से मक्का के अंदर हैं और जो उम्रे पे आए हुए हैं या हज के दौरान में आए हुए हैं। जो पहले मक्का फ्री बस सर्विस थी दोस्तों, जो मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी थी कि आप जहाँ पर भी जाएँ, ज़ारत करने जाएँ या मस्जिद तनीम जाएँ या मस्जिद जौराना जाएँ या कोई भी ज़ारत करने के लिए आप जाएँ तो उसका कोई किराया नहीं है। लेकिन अब दोस्तों ये मामला चेंज हो चुका है क्योंकि मक्का फ्री बस सर्विस तकरीबन दोस्तों 2 साल जो है फ्री चली है दोस्तों, 2 साल फ्री चली है, लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडियन हाजी जो है अजीज़ जुनूबिया में रुके थे तो उन्होंने 6 नंबर बस का बहुत इस्तेमाल किया था, वो काफ़ी हरम के पास आते जाते थे दोस्तों। दोस्तों वही 6 नंबर बस जो आती थी हरम के लिए भी आती थी और हरम से भी जो है वो अजीज़िया होती हुई जाती थी। तो ये देख सकते हैं मैं इस टाइम मौजूद हूँ मक्का बस स्टैंड, जो आप देख रहे हैं सामने की बसें खड़ी हैं, आप देखिएगा सामने का व्यूज़, ये देखिएगा दोस्तों ये जो है मक्का फ्री बस स्टैंड का ऑफिस है, लेकिन अब मक्का फ्री बस स्टैंड का ऑफिस नहीं है, ये आप देख सकते हैं सामने बसेज वगैरह खड़ी हुई है, ये देखिए दोस्तों मेरे सामने आप देख रहे हैं। और ये पीछे टावर भी है, ये आप देख सकते हैं पूरा मक्का फ्री बस सर्विस का है ये, यहाँ पर प्राइवेट बसेस भी खड़ी हुई हैं। और सामने देखिए वो जौराना के लिए बस खड़ी हुई है 5 नंबर, और ये भी देखिए 5 नंबर खड़ी हुई दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है 1 नवंबर से यानी 1 नवंबर से जो है दोस्तों इसका किराया लागू हो जाएगा, आपको किराया देना होगा, लेकिन किराया दोस्तों इसका 4 रियाल होगा, ये मैं आपको बता दूँ, यानी 4 रियाल होगा, मतलब इंडिया के तकरीबन आप समझ लीजिएगा 90 रुपये, यानी 90 रुपये होंगे दोस्तों इसका किराया होगा, चाहे आप 1 स्टॉप पर उतरें चाहे आप आखिर वाले स्टॉप पर उतरें, लेकिन आपको 4 रियाल देने होंगे दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा, तो ये लागू जो है 1 नवंबर से होगा दोस्तों इसका किराया। आप कोई भी आप कहीं पर भी जाइएगा मक्का फ्री बस सर्विस के लिए, अगर ज़ारत करना चाहते हैं आप, जबल उमर जाना चाहते हैं या आप गारे सोर जाना चाहते हैं या आप मस्जिद तनीम जाना चाहते हैं और या आप मस्जिद जौराना मीका जाना चाहते हैं, तो आपको 1 नवंबर से दोस्तों आपके लिए 4 रियाल देने होंगे। तो यानी 4 रियाल का मतलब ये है कि आपके इंडिया के तकरीबन 90 रुपये हो गए इसको दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये मक्का बस सर्विस है, ये आप बस वगैरह देख सकते हैं 5 नंबर खड़ी हुई है, या ये अज्जाद बस स्टेशन है दोस्तों, ये बस अवाली के लिए जाती है और वहाँ पर भी सामने आप देख रहे हैं, सामने आप मेरे जो देख रहे हैं ये केबिन, ये देख लिए ये मक्का बस स्टैंड का केबिन है, यहाँ पर लोग वगैरह टिकटों के लिए बैठेंगे। ये सामने भी देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है मक्का बस स्टेशन का, ये सब जगह आपको मिलेगा। और ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपके लिए बताया था दोस्तों कि अभी मक्का बस स्टैंड के 3 बस स्टॉप चल रहे हैं,
जो कि एक जबल काबा की तरफ है और एक जो है गजा की तरफ है, और इस टाइम जो मैं मौजूद हूँ ये है अज्जाद की तरफ, ये आप देख सकते हैं अज्जाद की तरफ है। सामने आज शोदा होटल है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए दोस्तों। और एक केबिन इसका आगे के लिए, ये आप देख सकते हैं ये केबिन बन के बिल्कुल तैयार है। और ये फर्स्ट नवंबर से जो है यहाँ पर सारे अधिकारी बैठने शुरू हो जाएंगे टिकट वाले, ये आप देख सकते हैं ये दोस्तों, काम बिल्कुल रेडी हो चुका हैगा, ये देखिए दोस्तों। तो ये जानकारी थी। और एक चीज़ मैं आपके लिए और बता दूं दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आप बिना टिकट इस बस के अंदर ना बैठें। अगर आप बैठेंगे और अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर 500 रियाल यानी सऊदी 500 रियाल का आपका जुर्माना होगा, और उसमें आपके लिए जेल भी हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए मेहरबानी करके आप बिना टिकट इस गाड़ी के अंदर ना बैठें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मक्का बस सर्विस जो चली थी वो 2 साल से ज़्यादा लगभग जो है दोस्तों फ्री चली थी, कोई इसका किराया नहीं था। लोगों ने बहुत माशाल्लाह इस्तेमाल किया, और ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया सारे हाजियों ने इस बस का इस्तेमाल किया था दोस्तों, 6 नंबर और 8 नंबर का ख़ास तौर से दोस्तों। और 6 नंबर तो ख़ास तो दोस्तों अज़ीज़िया जुनूबिया के लिए जाती थी, जो हमारे इंडियन हाजी ख़ास तौर से जाते, जो 5 दिन 6 दिन के लिए जो इंडियन बसेस जो बंद होती थी, तो इंडियन हाजियों ने ख़ास तौर से इसी बस का इस्तेमाल किया था 6 नंबर का दोस्तों। तो ये जो जानकारी थी, वो मालूम जो थी मैंने वो आपके लिए बताई दोस्तों। तो ये 1 नवंबर को यानी 1 नवंबर को इसका किराया लागू हो जाएगा। आप सबसे बड़ी खुशी की बात है ये 4 रियाल कुछ नहीं है, आप टैक्सी से कम जाओगे तो इसे 10 गुने पैसे टैक्सी वाला वगैरह लेगा आपसे दोस्तों। इसलिए आपसे जो है दोस्तों ये बहुत 4 रियाल बहुत कम है, मतलब इंडिया के तकरीबन 90 रुपये तकरीबन हुए दोस्तों। और ये देखिए एक ऑफिस ये यहाँ पर बनना है, सामने आप देख रहे हैं ये सामने अलशोदा होटल है, ये देखिएगा ये अलशोदा होटल है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलशोदा होटल के ही सामने आप देख रहे हैं ये मक्का सर्विस का बस स्टॉप है दोस्तों। और सामने ही आप देख रहे हैं क्लॉक टावर, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा अज्जाद की तरफ है दोस्तों, ये अज्जाद की तरफ है, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये भी यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे ही जो है कि यहाँ पर लगा हुआ ये ऑफिस है, ये देखिए सामने अलशोदा होटल है, और ये अलशोदा होटल के साथ से ही जो है सीधा ये हरम के लिए रास्ता गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये सीधा हरम के लिए गया है। ये देखिए हाजी माशाल्लाह जा रहा है, और ये क्लॉक टावर की जो है बैक साइड आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह ये कबूतर हैं, हाजियों ने यहाँ पर कबूतर में जान डाल रखा है। और ये देखिए उमरे वाले हाजी माशाल्लाह जा रहे हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर हमेशा पानी बिल्कुल फ्री बढ़ता रहता है, आप देख सकते हैं कितना पानी है माशाल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये देखिए पूरा होटलों की बसेस वगैरह हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा है, देखिए पूरा सामने जो आप देख रहे हैं पूरा है ये हरम के लिए नज़ारा जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए इधर भी देखिए आप पानी हर तरफ, ये गाड़ी जो खड़ी हुई है आप देख सकते हैं पूरा माशाल्लाह पूरा भरा हुआ है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।